नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बाराबंकी से सांसद प्रत्याशी भाजपा की तरफ से उपेंद्र रावत जी हैं। उपेंद्र रावत जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। उपेंद्र रावत जी, परसों आपके यहाँ इलेक्शन का आखिरी दिन है, परसों वोटिंग होगी और आपने काफ़ी मेहनत किया, मैं देख रहा हूँ दिन रात आप एक किए हैं। इस प्रचार के दौरान सबसे पहली बात कि बाराबंकी की जो जनता है उसका क्या रुझान दिखा, आपको क्या मूड दिखा और क्या गहमा गहमी चल रही है आपके यहाँ बाराबंकी क्षेत्र में? जनता का रुझान इस समय एक नाम पर है, नरेंद्र मोदी। मोदी जी को देख रही है और मोदी जी को इसलिए देख रही है कि मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, जितने भी विकास किए हैं और जो काम जनता के लिए किए हैं वो आज तक कभी किसी ने किए नहीं, इसलिए जनता मोदी की तरफ देख रही है जी। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी हम लोग जब निकल रहे थे तभी देखे थे। उनका कहना था कि 3 चरण के चुनाव और बचे हैं, बाकी जो 3 चरण या 4 चरण जो कम्प्लीट हुए हैं उसमें भाजपा हार चुकी है। इस पर आपका क्या जवाब है? राहुल गांधी को तो जब मन में जो आता है बक देते हैं, अब उनके कहने से भाजपा हार जाएगी? जनता ने भाजपा को पूरा बहुमत दिया है और भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। आप बाराबंकी की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा चैनल करीब 17 एप्लीकेशन के साथ चलता है और करीब 1 हफ्ते में 70 से 80 लाख लोगों तक ये बात पहुँचेगी। आप बाराबंकी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? परसों चुनाव है। मैं बाराबंकी की जनता को अपील ये करना चाहूँगा कि जैसा कि मोदी जी ने कहा कि सन 2022 तक इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास अपना मकान ना हो, सबको मकान दे दिए जाएंगे। 7-8 घंटे बिजली आती थी पहले, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 18 घंटे बिजली देने का काम किया है और मोदी जी की सोच है कि सन 2019 के अंत तक 24 घंटे बिजली हर व्यक्ति को मिले। तो अगर सबको आवास चाहिए, सबको 24 घंटे बिजली चाहिए, 18 घंटे तो मिल ही रही है और 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को दिया जा रहा है, अब इसको कोई घटा नहीं सकता है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इसको जो ख़त्म करेगा वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जो घटाएगा वो घट जाएगा, बढ़ेगा ही। तो किसानों को सम्मान निधि मिले और बढ़ करके मिले, किसानों के लिए एक और बहुत बड़ी राहत का जो है संकल्प हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 1 लाख रुपये तक का कर्जा किसान क्रेडिट कार्ड से लिया जाएगा, तो उसको 5 साल में 1 नए पैसे ब्याज नहीं देना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसी के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाने की भी बात हमारी सरकार हमारी पार्टी ने कही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि 24 घंटे बिजली लेनी है, सबको आवास दिलाने हैं, किसान सम्मान निधि लेनी है, बिना ब्याज के पैसा लेना है और प्रदेश का और देश का पूरा सर्वांगीण अगर चौमुखी विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देश को सम्मान दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। मेरी बाराबंकी वासियों से यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।